फ्रेंड्स, आज हम क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर 10 के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, ये वीडियो 44 है। देखो बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, हाउ कैन यू यूज द फीचर्स ऑफ वाटर, है ना। देखिए इसका आंसर होगा, द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। पानी जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंक्रीजिंग द फैकल्टी ऑफ इरीगेशन। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज द वे ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। इसका आंसर होगा, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बकेट्स द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल्स। नाउडेज रहट एंड मोटर पंप्स आर आल्सो यूज फॉर टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम द वेल्स। ठीक है बच्चों, आपको इसका आंसर सेकंड का यहीं तक लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन थ्री देखो आप, थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द वाटर लेवल ऑफ ए वेल गोज डाउन, हाउ कैन वी गेट वाटर यूजिंग रहट। इसका आंसर होगा, इफ़ द वाटर लेवल इज द वेल गोज डाउन, द लेवल ऑफ वाटर शुड बी मेड इक्वल टू द रहट लेवल, आफ्टर दैट द वाटर कैन बी टेकन आउट बाय रहट, एल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहीं तक आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फोर देखिए आप, व्हाट आर द मीन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या है यहाँ पर देखो, इफ देयर इज नो रेन देन द वाटर हैज टू बी गिवन सेपरेटली टू द क्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, दिस प्रोसेस नोन एज इरिगेशन। ठीक है बच्चों, इरिगेशन होती है सिंचाई। तो आपको यहीं तक इसका आंसर लिखना है। तो मैंने आज आपको एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। इनके आंसर यहाँ पे इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और इनको आप लर्न करेंगे। थैंक यू।